सोई दागा में आपका वेलकम। आज हम अनारकली सूट बताएंगे बनारसी साड़ी का। ये हमारी पुरानी साड़ी है, हम साड़ी तो हमेशा यूज नहीं करते हैं, तो हम इसका अच्छा सा सुंदर सा सूट बताएंगे आपको। साड़ी रखी रखी ऐसे ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इसको अच्छा सुंदर सा सूट आपको कटिंग करने बताएंगे और सिलना बताएंगे। ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर का हमारा पल्लू है और ये हमारी साड़ी है। ये ग्रीन कलर की मैं चोली कट करूँगी और ये मैं घेर करूँगी इसका अनारकली चुन्नट डालकर। इसका हम अभी आपको कटिंग बताएंगे कैसे कटिंग करना है। इसे ये देखो, ये पल्लू कितना सुंदर है, इसको हम कटिंग करेंगे। ये डिजाइन में चोली में दूंगी, इसकी चोली बनाऊंगी ग्रीन कलर की, ये चोली बनाऊंगी। इसको ये बॉर्डर में नीचे लग आएगा और ये इसको कटिंग कर दूँगी यहाँ से। अभी मैं आपको चोली कटिंग बताऊँगी कैसे करना है। ये मैंने 32 छाती का बनाना है, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ यहाँ से कटिंग करके। यहाँ से फिर मैं ये मैंने कटिंग कर दिया। अब यहाँ से मैं चोली की कटिंग बताऊँगी आपको। ये मैंने फोल्ड किया, अब ये बॉर्डर मैं नीचे रखूँगी जो कमर में आएगा, एक नीचे कमर में आएगा और इसको मैं कटिंग कर दूँगी इसको यहाँ से। ये ऐसे ये हमारा कटिंग होगा, ये नीचा का हिस्सा होगा, ये ऊपर का। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे चौथा भाग में। ये मैंने 32 छाती का बनाना है, इसको 32 छाती का हमारा हो गया। डबल करेंगे तो 16 इंच हो गया, 16 का फिर चौथा भाग में हम करेंगे तो हमारा 8 इंच होगा। 8 इंच में हमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच होगा, तो ये 10 इंच ही कपड़ा है। यहाँ से 10 इंच यहाँ से। अभी मैंने इसका लेना है तीरा, तीरा लेना है मैंने 6.5 इंच, ये 6.5 इंच यहाँ से 6.5 इंच तीरा। ये ऐसे निशान लगा है ऐसे। यहाँ से फिर मुड्ढा, ये मैंने लेना है 6.5 इंच 7 इंच ये 7 इंच ये ऐसे 1 इंच की गोलाई देनी यहाँ से, ऐसे गोलाई देनी है मैंने। और इसको यहाँ से कटिंग देना है कमर का हिसाब से। मैंने इधर रखना है ये 18 इंच, 18 इंच रखना है यहाँ से, ये हमारी कमर आएगी। इधर से मैं इसको ऐसे ऐसे कट कर दूँ, फिर यहाँ से ये मुड्ढा कटिंग कर दूँ ये हमारी ऊपर की चोली होगी। अभी मैं इसमें डिजाइन डालूंगी तो गला तो मैं डिजाइनदार बनाऊंगी, तब बनाऊंगी तभी आपको बताऊंगी इसकी कटिंग करी। इसको मैं अभी इसका मैंने लेना है घेर, चलो ये मैंने घेर लेना है इसको। ये मेरी लाइनिंग है इसमें लगाने के लिए लाइनिंग। इसको मैं ये इसकी मैंने लंबाई रखनी है इतना, 13 इंच की ये होगी और 31 इंच की मैं नीचा की घेर काटूँगी 31 इंच का। इसको ये डबल घेर काटूँगी इसको 31 इंच का। ये 18 इंच है तो इसमें डबल कितना होगा 36 इंच, 36 इंच का मैं इसका घेर कटिंग करूँगी ऊपर से, जो चुन्नट हमारी अच्छी सी आएंगी इसमें। चुन्नट डालनी है ना चोली में, तो इसको 36 इंच करूँगी डबल। ये हमारा 18 इंच है ना यहाँ से चौड़ाई, तो इसको मैं 36 इंच लूँगी डबल लूँ यहाँ से। इसको डबल लूँ यहाँ से, मैं इसकी कटिंग कर दूँ
36 इंच। इसको यहाँ से कटिंग कर दें। तेरह इंच और लंबाई 43 इंच लेनी है मैंने, 43, तो इसको 31 इंच की मैं इसको ये कटिंग कट कर दिया मैंने। अभी मैंने इसकी लंबाई 31 इंच रखनी, 31, 13 इंच ये होगा और 31 इंच ये होगा, एक दो इंच फोल्ड में जाएगा इधर से नीचे से, तो मेरा 42 इंच हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको 31 इंच लेना है, ये लंबाई यहाँ से। ये 31 इंच यहाँ से भी 31 इंच, ये मैंने इसको निशान लगा दिया और इसकी कटिंग कर दी, यहाँ से इसकी कटिंग कर दी। ये इसका डबल घेर होगा चोली का, ये हमारी चोली होगी और ये हमारा सूट होगा। इसको मैं आपको सिलाई करना बताऊँ, अभी हमने आपको सूट की कटिंग बताई ना, अभी मैं आपको गला की कटिंग बताऊँगी। ये मैंने आगा के हिस्से में मैंने कॉलर वाला गला बनाना है, ये कॉलर वाला बनाऊँगी और पीछा का बनाऊँगी पान पत्ता, ये देखो ये पान पत्ता का बनाऊँगी और ये कॉलर वाला बनाऊँगा, ये मेरी लाइनिंग है। अभी मैं आपको कटिंग बताती हूँ, कॉलर वाला गला की कटिंग कैसे होती है। देखो यहाँ से मैंने लेना है 3 इंच, ये 3 इंच, ये मैंने 3 इंच गला की चौड़ाई लेनी है यहाँ से, ये 3 इंच, ये 3 इंच, और यहाँ से मैंने फिर 3 इंच लेना है ऐसे, यहाँ से इस लाइन को यहाँ 3 तक मिलाना है, ये 3 है ना, ये यहाँ 3 तक इसको ऐसे 3 ऐसे, फिर इसकी गोलाई देनी है 1 इंच की यहाँ से गोलाई, और फिर इसको ऐसे यहाँ से मेरे को फिर 7 इंच लेना है, इसकी लंबाई 7 इंच, ये यहाँ 7 इंच, ये 7 इंच, ये ऊपर से कॉलर लगेगा और ये भाग खुला रहेगा मेरा, ये यहाँ तक इसकी अभी कटिंग करना है यहाँ से। यहाँ से ये कटिंग होगी, अभी मैं आपको सिलना बताऊंगी, अभी मैं पीछा का गला की कटिंग बताऊँ। ये पीछा का भाग है, ये मैंने 8 इंच इसकी लंबाई रख, इसकी 8 इंच लंबाई रखनी है गला की पीछा से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से मैंने कट नहीं करना है, ये कॉलर लगाना है, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर का भाग छोड़ूंगी, ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई हो ही लूँगी 3 इंच, 3 इंच मेरे को चौड़ाई लेना है इसका, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से इस 6.5 पड़ेगा ना, 8 इंच का गला था तो 6.5 इंच, यहाँ से मैं इधर से ऐसे निशान लगाऊंगी इसको, यहाँ 20 तक 2.5 पे ऐसे, इसकी ऐसे हल्की हल्की गुलाई ऐसे,
हल्की हल्की गुलाई दे दी है पान पत्ता गला हुआ पीछा का। यहाँ से मैं कॉलर लगाऊंगी और ये अब इसकी कटिंग बताती हूँ आपको। इसको यहाँ से ये हमारा पान पत्ता गला होगा पीछा का, यहाँ से कॉलर ज्वाइंट करूँगा। अभी मैं आपको सिलना बताऊँगी, अभी हम आपको ये सिलाई बताएंगे। देखो लाइनिंग है ये, इसको हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे पहले ऊपर से, ये सिलाई लगाएंगे पहले इसकी।
कॉलर लग गए। अभी इसको ऐसे दबाना है, ये सिलाई लगाना है यहाँ से। ये हमारा गला तैयार होगा और ब्लाउज ऊपर की चोली तैयार होगी। अभी हम आपको चुन्नट डालनी बताएंगे, चुन्नट कैसे पड़ती है इसमें। ये हमारा नीचा का घेर है, इसमें लाइनें लगा के सिलाई कर रखे हैं। इसमें लैस उस गोटा लगा दिया है। अब यहाँ से इसका बीच है, बीच सेंटर, यहाँ से हम इसको कट दे लेंगे ऐसे। ये हाफ पीछा की तरफ और हाफ आगे की तरफ, हाफ हाफ ये बीच में आना चाहिए। ये मैंने इसको सिलाई लगा दिया है, एक तरफ से बिल्कुल बंद कर दिया है, एक तरफ से ये खुला है। तो यहाँ से मैं चुन्नट डालनी बताऊँगी आपको, कहाँ से ऐसे इसको ऐसे ऐसे रखूँगी, ये छोड़ के इतना। यहाँ से इसकी फिटिंग आएगी तो एक इंच डेढ़ इंच ये छोड़ के, और यहाँ से चुन्नट डालना शुरू करूँगा यहाँ से। अभी चुन्नट डाल दिया, अभी इसका साइड की सिलाई लगाऊंगी। चुन्नट हो गया देखो, ये देखो ये हमारा अनारकली सूट तैयार हो गया। ये चुन्नट देखो, ये गला, ये आगे की तरफ का गला है, ये डिजाइनदार। ये चुन्नट, ये बाजू पे डिजाइन, ये हमारा पीछा का, ये पीछा का गला। साड़ी यूज नहीं होती है, ये सूट बन गए तो पहना जाएगा अच्छा सा दोनों तरफ से। ये देखो, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना, और पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना। ये गोटा लगा दिया, ये देखो चारों तरफ गोटा लगा दिया इसको। धन्यवाद।